बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी तहरीन सलीम कसीरी। हाउ आर यू स्टूडेंट? आई होप सो यू आर ऑल्सो फाइन, सेव एंड स्टे होम एज वेल। टुडे इज़ योर इस्लामियत सेशन, सेशन सिक्स चल रहा है इस्लामियत का। और आज की क्लास में आपको जो रिमेनिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, जो बयानिया सवाल है, उसको हम रीड करेंगे और उसकी डायरी देंगे, ठीक है? तो टेक आउट योर बुक एंड कॉपी और साथ साथ टैली करते जाएंगे आप लोग, ओके? तो सबसे पहले फारिस की तरफ चलते हैं हम लोग। तो बुक ओपन कर लें आप लोग, और सबक का नाम है गज़वाए हुनैन, सफ़ा नंबर 36। अच्छा जी, अब तक जो क्लास हो चुकी है, आई होप सो आप लोगों ने अच्छे से वॉच वीडियो को सारी वॉच किया होगा, ठीक है? और क्लास डेली अटेंड कर रहे हैं आप लोग। तो अब हम चलते हैं, इसके चैप्टर आज लास्ट हो जाएगा, ठीक है? ये चैप्टर जो आप लोगों का सही, सफ़ा नंबर 36 गज़वाए हुनैन सही। और इसके दो सवाल हमारे रिमेनिंग हैं, इसे हम करते हैं। सवाल नंबर 4, गज़वाए हुनैन के मुख्तसर वाक़ियात तहरीर करें, ठीक है? तो आप लोग अपनी कॉपीज निकाल लें और साथ साथ टैली करें, ठीक है? तो हम स्टार्ट लेते हैं गज़वाए हुनैन। तो सवाल के बाद जवाब की हेडिंग आएगी, फिर हेडिंग आ जाएगी वाक़ियात सही, अगर वाक़ियात और नतज पेडिंग तो सही है, ठीक है? स्टार्ट लेते हैं। मुसलमान अली सबा मैदान की तरफ बढ़े तो दुश्मन ने बहुत से माहिर तीरंदाज वादी के दर्रे में छुपा रखे थे, ठीक है? क्या कर रहा था मुसलमान जब उस मैदान की तरफ बढ़े तो दुश्मनों ने माहिर तीरंदाज को वादियों में छुपा रखे थे, वादी के जो दर्रे हैं उसके अंदर छुपा रखे थे। इन्होंने मुसलमानों पर अचानक तीरों की बारिश कर दी, मुसलमानों पर क्या कर दिया, अचानक तीरों की बारिश कर दी, उन्हें पता भी नहीं चला। ये बात मुसलमानों के वहमो गुमा में भी ना थी, इनके बिल्कुल भी ख्यालों में नहीं थी, इनके दिमाग में नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। इस गैर मुतवक्का तीर अंदाजी से मुसलमान घबरा गए। जब आपके ऊपर भी, हमारे पे भी अचानक कोई चीज़ हावी हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, सब घबरा जाएंगे, ठीक है? और इनके पाँव मैदान से उखड़ गए, और वो वैसे ही क्या जैसे खड़े थे वहाँ पर, उनके पाँव जो है मैदान से क्या हो गए, उखड़ गए, मतलब कि वो अनबैलेंस हो गए, ठीक है? यहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ चंद अफराद ही साबित कदम रहे, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात माशाल्लाह कोई डाउट नहीं है इन पे, तो इनके साथ सिर्फ सिर्फ चंद अफराद ही साबित कदम रहे, ठीक है? ये हालत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को आवाज़ दी, और फिर अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि बहुत बुलंद आवाज़ वाले थे, ठीक है? जब ये हालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी तो अंसार को आवाज़ दी, और फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि इनको आवाज़ दो। तो इन्होंने मुसलमानों को पुकारा, ठीक है? कैसे पुकारा, ए बैत रिजवान वालों, ठीक है? जब अगर हम किसी को पुकारते हैं, किसी को आवाज़ देते हैं बुलाने के लिए, तो जो लहजा होता है और जो उसकी वॉइस की पिच होती है वो ज़्यादा हैवी हो जाती है, ठीक है? ये अल्फाज जैसे ही मुसलमानों के कानों में पड़े, उनके मुखालिफ सिमत बढ़ते हुए कदम रुक गए, ठीक है? जैसे ही वो उल्टे कदम दौड़ रहे थे तो वैसे ही वो रुक गए। इन्होंने पलट कर नए वलवले और जोश व खरोश के साथ हमला किया, तो वो वैसे ही रुके, और फिर नए वलवलों जोश व खरोश के साथ जो उनका जज्बा था उन्हीं के साथ वो आगे बढ़े, उन्होंने हमला शुरू कर दिया। खून रेज मार्के के बाद हवाज़न सहीफ शिकस्त खा गए, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शानदार फतह अता फरमाई, ठीक है? फिर क्या हुआ, खून रेज ये लोग शिकस्त खा गए, और उसके बाद अल्लाह पाक ने मुसलमानों को एक शानदार अता फरमाई, ठीक है? इसके बाद सवाल नंबर 5, गज़वाए हुनैन से हमें क्या सबक मिलता है, ठीक है? तो क्या सबक मिलता है, जब ये सारे वाक़यात हो गए थे, तो इसका जवाब है आप कॉपी में, काइंडली आप लोग अपनी कॉपीज़ में से टैली कीजिएगा, अगर कोई वर्ड आगे पीछे है तो सही कर लीजिए, ठीक है? और जवाब है, गज़वाए हुनैन से हमें ये सबक मिलता है कि हमें ज़ाहरी असबाब पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या पता चला कि ज़ाहरी असबाब पे हमें फ़ख्र नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप पे, हमें अगर अल्लाह पाक ने हमें कोई फैसिलिटी, कोई भी खूबी हमें दी है, ठीक है, कोई क्वालिटी हमें दी है, तो हमें उस पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह ताला से मदद की तलब करनी चाहिए, शुजात और बहादुरी से मैदान जंग में उतरना चाहिए, सही, हर हालत में सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल करना चाहिए, भरोसा मतलब यकीन और तवक्कुल
पुख्ता यकीन सही है। तो ये क्या, हमें अल्लाह पाक की ज़ात पे हमेशा भरोसा करना चाहिए, ना कि अपनी काबिलियत पर। ठीक है, अपनी काबिलियत पे यकीन हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम अल्लाह की ज़ात मतलब उन पे अल्लाह पे भरोसा ही ना, सिर्फ हम अपने आप पे ही फ़ख्र करें कि बस मुझ में ये काबिलियत है तो मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो इंसान होता है मुँह के बल गिरता है। ठीक है, तो हमें हर वक्त अल्लाह से मदद की तलब करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें ये बताया जा रहा है कि हमें अपने आप को अल्लाह के लिए झुकना चाहिए। ठीक है, अल्लाह की राह में झुकना चाहिए और इनसे मदद की तलब करना चाहिए। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे एंड की जाती है। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे न्यू चैप्टर के साथ। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो आपका एक कस्बा है हुनैन डन हो चुका है। अगर इसके अलावा चैप्टर में, ठीक है, कॉपी में अगर कोई काम है आप लोगों का बुक के इस एक्सरसाइज के अलावा, तो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे एंड की जाती है। तब तक के लिए अपना आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।